एक दिन एक दिव्य दूत राजा के पास आए और उन्हें बताया कि उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग, सेना, खगोलशास्त्रीय आयुधों की आवश्यकता है। फिर वे साधुता की दिशा में बढ़ें। राजा नमी ने उनकी बातें सुनी और फिर उन्होंने कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, परंतु मैंने पहले ही एक नगर बना लिया है। उसने श्रद्धा, तप, संयम और सत्य की दीवारें बनाई है जो मेरे राज्य को मजबूती प्रदान करेगी। राजा ने व्यक्तिगत रक्षा के लिए मन, वचन और क्रियाएं की एकता की भी दीवार बनाई जो उसके आत्मा की रक्षा करेगी। उन्होंने इस संग्रहशील नगर में संसार के दोषों, छल कपट, काम, क्रोध, माया, मोह और लोभ के खिलवाड़ों के खिलाफ भी एक खाई बनाई। यह उनके आत्मा में प्रवेश नहीं करने देगी। नमी राजर्षि ने उत्तर दिया, वास्तविक पराक्रम वह है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, जबकि दूसरों को अपने अधीन करने में शक्ति आती है। साधुता और मानवता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा ने ये सिद्ध किया कि अपने आत्मा को जीतना ही असली विजय है। उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसके मन को नियंत्रित करने में होती है। वे अपने आंतरिक दुश्मनों से निपटने में सफल रहे और अब उन्हें बाहरी शत्रुओं से निपटने की आवश्यकता नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली वीरता मानव मन को वश में करने में है और सच्चे धैर्य, सत्य और समर्पण से ही हम अपने अंतर्निहित शत्रुओं से पराजित हो सकते हैं।